तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल टेक्निकल फ्रेंड में। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं MI A1 की। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने अभी फ्लिपकार्ट से मंगाया है फ़ोन, और आपने देखा होगा कि काफ़ी रिसेंटली ही ये शियोमी ने रिवील किया है, और इसके अंदर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। तो जल्दी से मैं इसको खोलता हूँ। देखिए, ये हमारे सामने फ़ोन का डब्बा आ चुका है MI A1। और ये जैसा कि हमको तीन कलर में मिलता है, एक तो पिंकिश कलर में है, दूसरा है गोल्ड कलर में, और फिर है ब्लैक। तो देखिए, जैसे ही हम इसको पीछे करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए, तो सीधा आपको दिखता है ब्लैक और 4GB 64GB। तो देखिए, एक ही वेरियंट में आ रहा है, 15,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल हो रहा है, और उसके अंदर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो चलिए एक बार इसकी और स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ये इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, और इसके अंदर प्योर एंड्रॉयड है, क्योंकि एंड्रॉयड 1 का फ़ोन है। तो कम से कम 2 साल तक आपको इसके अंदर जल्दी से अपग्रेड मिलेंगे, और गूगल ने इसमें प्रॉमिस किया है कि आपको जल्द ही एंड्रॉयड 8 का अपग्रेड भी मिल जाएगा। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट है, जो कि ऑक्टा कोर है विथ 2 GHz। और इसके अंदर आपको मिलता है फुल HD डिस्प्ले LCD स्क्रीन का, और वो है 5.5 इंच का। फिर बाद में आपको इसके अंदर मिलता है डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाई, फिर ये फ़ोन के अंदर LTE मिलता है आपको। और जो पीछे डुअल कैमरा है वो है 12+12 MP का कैमरा, और एक इसमें है नॉर्मल लेंस, दूसरा इसके अंदर आता है टेलीफोटो लेंस। फ्रंट जो फेसिंग कैमरा है 5 MP है। चिपसेट के बारे में आपको बता ही दिया है मैंने। फिर इसके अंदर रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और 3080 mAh बैटरी है। तो जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं बॉक्स को। देखिए, हमने इसका बॉक्स को ओपन कर लिया है। अब डायरेक्टली हम इसकी सील काटकर इसको खोलते हैं और देखते हैं फ़ोन का कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन हमें मिलता है। काफ़ी अच्छी पैकिंग करी है MI ने इसकी। तो ये मैंने ऑर्डर किया है ब्लैक कलर में, ये आ गया है फ़ोन। इसको हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमको इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो देखिए, पहले हमको मिलता है यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, जो सिम इजेक्टर टूल है, और उसके बाद इसको खोलते हैं। उसके बाद हमें मिलती हैं कुछ गाइड्स जो इसके बारे में बताती हैं, MI के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, और फिर MI A1 के बारे में बताया है, जैसे कि Android A1 इसके अंदर है। ठीक है, हमें चार्जर मिलता है जिसके अंदर इनपुट लेता है 100 से 240 वोल्ट, 50 से 60 हर्ट्स, और 0.35 एम्पियर है, और आउटपुट देता है 5 वोल्ट। तो बेसिकली ये फास्ट चार्जर तो नहीं है स्पेसिफिकेशन में, बट जो इसके अंदर चिपसेट है 625 वो मतलब सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग के, तो मोस्टली हमें इसके अंदर भी फास्ट चार्जिंग मिलेगी। उसके बाद हमें मिलती है USB केबल, और चलिए अब एक बार फ़ोन को देखते हैं हम। तो चलिए पहले इसकी मैं ये जो स्क्रीन स्क्रीन पे फिल्म लगी हुई प्लास्टिक की, वो उतार लेता हूँ। तो देखिए आप, कितना अच्छा लुक लग रहा है फ़ोन का, और हम पीछे से भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छी मेटलिक बॉडी है इसकी, और काफ़ी प्रीमियम फ़ोन लग रहा है। देखिए, हाथ में लेते ही मेरे को बहुत ही अच्छा इसकी बॉडी लग रही है। इसका 2.5D कर्व गोरिल्ला ग्लास से साफ दिख रहा है कि कैसे कर्व हुए हुए हैं इसके साइड के कर्व्स। और चलिए एक बार मैं फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको फ़ोन के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में मिलता है, अगर आप देख पा रहे हो तो, वॉल्यूम रॉकर। उसके नीचे आपको मिलता है पावर बटन, और जब हम नीचे आते हैं तो आपको मिलता है इसके अंदर स्पीकर इस साइड, और इसमें USB 3 पोर्ट है। बहुत ही अच्छा USB 3 पोर्ट मिलता है आपको, तो काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद आपको इसमें मिलता है हेडफोन जैक लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में। ऊपर जब हम आते हैं तो आपको मिलता है इसमें IR ब्लास्टर और एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। और IR ब्लास्टर अगर आपको पता नहीं है तो क्या होता है कि उससे आप मतलब सारे डिवाइसेस जो भी होते हैं रिमोट से रिलेटेड आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये काफ़ी मतलब अच्छा फीचर है। तो चलिए फिज़िकल ओवरव्यू के बाद, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर डुअल कैमरा है, अगर आप देख सकते हैं इसमें डुअल कैमरा है, यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और उसमें डुअल टोन LED फ्लैश है। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं हम, और जब तक ये पावर ऑन होता है और मैं इसको सेट करता हूँ, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन की, फ़ोन के अंदर क्या क्या आपको मिलता है।
तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 625 ओक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 2 GHz का है। उसमें फिर आपको मिलती है 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल, और इसकी स्क्रीन साइज़ है 5.5 इंच जो कि 1080p LCD डिस्प्ले है, और इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 है और 2.5D कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि गोरिल्ला ग्लास क्या होता है तो मैं साइड में ऊपर वीडियो को लिंक कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर आपको फिर इसके अंदर मिलता है एड्रीनो 506 GPU। उसके बाद आपको इसमें मिलता है डुअल सिम सेटअप जो कि हाइब्रिड है, मतलब हाइब्रिड है। उसमें ये होता है कि या तो आप 2 सिम डाल सकते हैं या 1 सिम या 1 SD कार्ड। उसके बाद आपको मिलती है इसमें 3080 mAh बैटरी जो मोस्टली पूरे दिन के लिए काफ़ी रहेगी आपके लिए, और उसके बाद आपको मिलता है इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर विद आईआर ब्लास्टर, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इसके अपडेट मिलते रहेंगे। तो देखिए हमारा फ़ोन अभी ऑन हो चुका है और सीधे ही देखते इसमें आपको पता लगता है कि इसके अंदर सीधा स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ किया है, MI ने अपना MIUI यूज़ नहीं किया है, एंड्रॉयड 1 है इसके अंदर, तो आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है इसके अंदर। और स्टॉक एंड्रॉयड का देखिए जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ एंड्रॉयड 1 होने का कारण ये है कि इसके अंदर आपको अपग्रेड्स बड़ी जल्दी मिलेंगे। तो मोस्टली इसके अंदर देखिए आपको जो ऐप्स मिलती है सारी की सारी मतलब गूगल की हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप। इसमें बस आपको एक कैमरा की जो ऐप है वो मिलती है अपने MI की ही। तो चलिए अपन देखते, देखिए इसमें नोटिफिकेशन पैनल जो ऊपर नोटिफिकेशन का अपना खुल रहा है वो भी बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड है। देखते हैं इसके अंदर कौन सा एंड्रॉयड वर्जन अभी इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। तो इसमें देखिए एंड्रॉयड है 7.1.2 जो कि अभी लेटेस्ट है, और जैसा कि आपको पता है इसमें जल्दी आपको और अपग्रेड भी मिल जाएंगे, जैसे एंड्रॉयड ओ भी आने के चांसेस है इसमें पूरे गूगल ने बोला या, तो आपको जल्दी ओ भी मिल जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट अपग्रेड आएगा उसके भी मिलने के पूरे चांसेस हैं। और आप देख सकते हैं इसमें नीचे जो लाइट्स हैं, 3 कैपेसिटिव बटन है, इससे मतलब आप मल्टीटास्किंग देख सकते हैं, होम बटन है, बैक जाने के लिए, ये तीनों में मतलब बैकलिट है, और UI काफ़ी स्मूथ लग रहा है मेरे को इसका। देखिए मैं तो MIUI जो था काफ़ी फ़ैन था, लेकिन इस बार UI जो लोग आजकल प्रीफर करते हैं स्टॉक एंड्रॉइड, तो उसकी वजह से स्टॉक दिया है। तो चलिए एक बार इसका कैमरा देखते हैं। लाओ कैमरा के अंदर मतलब जैसा आपको पता है कि इसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है, देखिए जैसा आपको दिख रहा होगा पोर्ट्रेट मोड काफ़ी डुअल कैमरे की वजह से अच्छा है। तो एक बार मैं जस्ट एक बार देखता हूँ कि पिक्स कैसी आती हैं। देखिए मैंने अभी पिक लिए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए ये नॉर्मल लेंस से लिए, फिर ये जूम लेंस से लिए थोड़ी, तो काफ़ी थोड़ी बहुत ब्लर है। चलिए एक बार इसका पोर्ट्रेट मोड भी हम ट्राई करके देख ही लेते हैं कि वो कैसी पिक देता है इस लेंस के ऊपर। देखिए ये जो फोटो ली है मैंने अभी इसके डेप्थ मोड में लिए, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है डेप्थ मोड इसका। जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्प सी आई है फोटो और काफ़ी अच्छी फोटो है। तो देखिए ये तो थी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग विद छोटा सा जो रिव्यू मैंने आपको दिया है, तो इसका मैं जल्द ही फुल रिव्यू लेके आऊँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस फ़ोन के रिगार्डिंग जो आप चाहते हो कि मैं आंसर करूँ तो जल्दी ज़रूर कमेंट करिए, मैं उनको पढ़ूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं उसको इंक्लूड करूँ अपने फुल रिव्यू के अंदर। और जो भी छोटी मोटी चीज़ मेरे को लगती है मैं फुल रिव्यू में इसके लेके आऊँगा। और मेरा इंप्रेशन ये है कि लुक वाइज फ़ोन बहुत अच्छा है, देखिए काफ़ी अच्छी फील आ रही है फ़ोन को हाथ में लेते ही, और मैं जल्दी इसका फुल रिव्यू लेके आऊँगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।